सो हेलो पोकी फैंस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नए पोकेमोन ग्लेजिंग से ग्लेज एपिसोड के अंदर। फिलहाल हम लोग हैं लॉज के सामने जो है नॉर्थ कोस्ट टाउन का, और यहाँ से हम लोग अगर नॉर्थ कोस्ट सिटी के लॉज के अंदर जाते हैं तो हम लोग को स्कीइंग करने के लिए मिलेगी और हर एक स्कीइंग के हिसाब से आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन ये स्पेशल एपिसोड है जो बाद में हम लोग चेकआउट करेंगे, फिलहाल हम लोग मेन मिशन की तरफ चलते हैं। लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोग ने डिफीट किया था नॉर्थ कोस्ट सिटी के जिम लीडर को, तो ज़रूर वो बैटल चेकआउट करना। और HM सर्फ का लोकेशन कहाँ पर मिलेगा वो भी मैंने प्रीवियस एपिसोड्स के अंदर बता के रखा हुआ है, तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। पसंद आता है तो लाइक करना, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के एपिसोड में हम लोग आगे की जर्नी ज़रूर चेकआउट करने वाले हैं, लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल जाने वाले हैं अजूरे केप के तरफ, और शायद से मैंने उसका नाम सही लिया हो, जब हम लोग विजिट करेंगे तभी पता चल जाएगा, शायद से केप अजूरे नाम है उसका। और अभी हम लोग जाएंगे सीधा ब्लिजर्ड स्लॉप से होते हुए, और ब्लिजर्ड स्लॉप के अंदर हम लोग को कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे हिडन एलिमेंट शायद से हम लोग को मिल सकते हैं। और जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है, और स्नो के अंदर आपको बहुत सारे हिडन एलिमेंट्स ज़रूर मिल ही जाते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट बैटल करने वाले हैं आज की, जो स्नोरन लेके आई है, तो देखा जाए तो हमारे लेवल बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बैटल्स के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा जो मी मेटल है वो सीख रहा है फिलहाल के लिए अच्छा खासा अटैक जो है आयरन टेल, तो मी मेटल को आयरन टेल सिखा देंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर करनी है हम लोगों को उससे पहले, अच्छा वो मुझे याद है कि हम लोग को मी मेटल का नाम मेटल रखना पड़ेगा, मैंने फिलहाल उसको मी रखा हुआ है। इसको डिफीट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे है नेम रेटर से बात कर लेंगे, और नेम रेटर को एक स्पेसिफिक पोकेमॉन बताना पड़ेगा जिसका निकनेम हम लोग को चेंज करना है। वैसे भी आप में मुझे मेरे पोकेमॉन्स को निकनेम दे सकते हो, आप मुझे खाली कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो कौन से पोकेमॉन को कौन सा निकनेम देना है। वैसे प्रोबेबिलिटी रेट के हिसाब से ही, मतलब जिस पे ज़्यादा लाइक्स रहेंगे उस हिसाब से मैं उसको निकनेम दूंगा। फिलहाल इसका नाम मेटल रख देंगे और हम लोग जर्नी की तरफ बढ़ेंगे। वैसे ये चीज़ मुझे पहले ही कर देनी चाहिए थी जो मैंने की नहीं, क्योंकि मैं भूल गया था। और यहाँ पे हम लोग रॉक स्मैश यूज़ करेंगे और इस पत्थर की तरफ देख लेंगे जिसके पास है HP। अब जब भी आपको ऐसे पत्थर दिखते हैं तो आप उनके साथ बात करो, उनके पास जाओ और जो एक्सेप्टेबल बटन है वो क्लिक कर देना, क्योंकि उसके बाद ही शायद से आपको वो सर्टन हिडन ऑब्जेक्ट मिल ही जाएगा। अभी यहाँ पे एक ट्रेनर है जिसको मैं थोड़ा सा पास लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे वो पोकेबॉल चाहिए था, लेकिन वैसे वाली बात नहीं होने वाली, तो शायद से मुझे लगता है इनके साथ सारे के साथ बैटल करनी पड़ेगी और उसके बाद हम लोग को फिर से रिटर्न जाके फिर से इधर आना पड़ेगा पोकेबॉल्स कैचअप करने के लिए, मतलब लेने के लिए। स्मूचम है इसके पास, और फिलहाल हमारा स्वाम्प थिंग बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है फिलहाल के लिए, तो अर्थ भी यूज़ करेंगे, जिंक्स को भी हरा देंगे। मेटल को अच्छे खासे लेवल मिल चुके हैं, चेक कर रहा था लेकिन वैसे वाली बात हुई नहीं। आपको स्नीजल भी मिल सकता है जिसको आप कैप्चर कर सकते हो, या डेफिनेटली आप भी ये गेम प्ले खेल सकते हो। मैंने जो गेम का डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है, ज़रूर खेलने के लिए आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको ग्लेशियन भी दिख सकता है, और मैंने ग्लेशियन मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने ग्लेशियन कैप्चर किया था, लिया था बोल सकते हो। तो कहाँ पर मिलेगा उसके लिए आपको प्रीवियस एपिसोड को चेकआउट करना ज़रूरी है। अभी ग्लेशियन को हम लोग अर्थवीक की मदद से हराने वाले हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा टफ ज़रूर गिरने वाला है। स्वाम्पिंग चला गया 41 पे, इसी के साथ हम लोग ने इस ट्रेनों को भी हरा दिया है। इस पत्थर के पास आपको कुछ भी चीज़ नहीं मिलने वाली, नीचे पत्थर पास चेक करते हैं वहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ नहीं मिलने वाली, आगे जाके टनल है। तो फिलहाल मैं अभी फिर से सिटी की तरफ जाता हूँ, तब ये सारे के सारे बंदे रीसेट हो जाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं और उन पोकेमॉन्स के अंदर देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हम लोग को वहाँ पे मिल सकती है। इसके अंदर है जिंक, और दूसरा पोकेबॉल के अंदर क्या है वो देखना पड़ेगा। इसके अंदर आपको मिल सकता है द कार्बोस। तो अभी हम लोग जाएंगे टनल की तरफ, आज टनल के अंदर भी एंटर करेंगे। आप बोलोगे यार भाई आज बहुत बड़ा एपिसोड है, मतलब ऑलमोस्ट एक रोड कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग टनल के अंदर भी घुस रहे हैं, आइसिकल टनल के अंदर घुस रहे हैं। आज टनल को भी क्लियर करेंगे, उसके साथ साथ आगे जो सिटी आती है उसको भी क्लियर करेंगे। थोड़ा सा अभी कंटेंट बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि सपोर्ट अच्छा खासा दिख रहा है, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाते रखिएगा। मेटल चला गया 30 पे, और 2 लेवल चाहिए, उसके बाद शायद से एरॉन जो है लेरॉन के अंदर इवॉल्व हो जाता है। हम लोग अंदर ट्रेनों को यहाँ पर डिफीट कर दें। तो अभी पत्थर के साथ बातचीत के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यार बातचीत करते करते अगर कोई हिडन एलिमेंट हम लोग को मिल जाता तो अच्छी बात होगी। यहाँ पे आपको पाइलोसाइन मिल सकता है जो इवॉल्व हो सकता है मेमोसाइन के अंदर भी, क्योंकि ये हैक गेम है, इसके अंदर आपको ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जो है ट्रेडिंग स्टोन, जो मैं इसके बारे में आपको फ्यूचर एपिसोड्स के अंदर ज़रूर बताने वाला हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पे आपको नेवर मेल्ट आइस भी मिल सकता है। नीचे जाएंगे, यहाँ पे अनदर ट्रेनर बैटल के लिए रेडी है, ट्रेनर नहीं ट्रेनर ही बोल सकते हैं जिसको, यहाँ पे है ग्रॉटल। तो ग्रॉटल को हराने के लिए हम लोग चैम्प को सिलेक्ट करने वाले हैं, और चैम्प के लिए हम लोग डेफिनेटली अभी
फिलहाल एम्बर अटैक मारेंगे और इसके साथ ग्रोटल भी चला जा चुका है। चैम्प के लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं भाई। वो जो ट्रिक है वो है ऑसम सी रीमैच ट्रिक, जो मैंने ऑलरेडी बता के रखी है प्रीवियस एपिसोड्स के अंदर। तो अभी आपको यहाँ पे गोल्ड बैट, जू बैट, डेलीबर्ड, उसके बाद पाइलोसवाइन, उसके बाद आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के आश टाइप प्लस फ्लाइंग टाइप पोकेबॉल भी दिखाई देंगे, लेकिन फ्लाइंग टाइप वैसे वाली जो केव्स के अंदर आपको मिलते हैं। और यहाँ पे अनदर बैटल, मुझे लगा वहाँ पे कुछ हिडन चीज़ हो सकती है, तो ज़रूर उसको भी चेकआउट करेंगे। इसके पास स्टीलिक्स और सर्फ अटैक से स्टीलिक्स आराम से हार चुका है, अभी वहाँ पे जाके चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा भी हिडन एलिमेंट तो नहीं है, और यहाँ पे मुझे लगता है ये केव का एग्जिट हो सकता है। डेफिनेटली हम लोग पहुँच चुके केव अजूरे की तरफ, और ये थी हमारी आइसिकल टनल जो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट थी। आ चुका है ब्लेक। ब्लेक आपको पता नहीं है कौन है, ब्लेक है अलिट 4 इस रीजन का, मतलब इस टू नोड रीजन का ऑफ पोकेमोन ग्लेस। अभी वो कुछ बातचीत कर रहा है कि अभी वो थोड़ा सा, मतलब ब्लेक है ना फिलहाल टीम फ्यूजन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, उनके ऊपर थोड़ा मतलब कोशिश कर रहा है कि उनको वो क्या क्या करते उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करे। और अभी उसने देखा है कि टेंपल टावर की तरफ वो बंदे है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि फिलहाल हम लोग को ब्लेस बैच की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग जाएंगे कोको टाउन की तरफ, उसके बाद हम लोग को सर्व करना है वहाँ पे। कोई तो ग्रीन कलर हेयर वाली बंदी हमारा वेट कर रही है, मुझे लगता है शैले के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि शैले के भी शायद से ग्रीन हेयर ही है, और वो हम लोग को टू नोट के सफारी जोन के अंदर भी मिल सकती है। तो एक तो हम लोग को आगे जाना पड़ेगा, एक तो हम लोग को पीछे भी जाना है टू नोट रीजन के सफारी जोन के अंदर, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है। यहाँ पे परफॉर्मेंस हॉल हम लोग को देखने मिल रहा है, परफॉर्मेंस हॉल्स के अंदर भी ज़रूर घुसने वाले, वहाँ पे एक मेजर कंटेन हम लोग को शायद से मिल सकता है। परफॉर्मेंस हॉल वही है जहाँ पे पोकेमोन कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, और ये है केप अजूरे, आर्ट ऑफ म्यूजिक का पूरा सिटी है। हम लोग फिलहाल जाएंगे पोकेमोन सेंटर के अंदर, हील करेंगे हमारे पोकेमोन्स को, और उसके बाद इस बंदे से बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोलता है कि राधाजन जिम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, आप पोकेमोन कॉन्टेस्ट के अंदर अगर आपका पार्टिसिपेट करना है, हम लोग को बाइसिकल लगने वाली है आगे जाने के लिए, तो अगर आपके पास बाइसिकल नहीं है तो हम लोग को पहले बाइसिकल लेनी पड़ेगी। और पता नहीं अभी तक तो बाइसिकल का कोई भी सेक्शन आया नहीं है, अगर मिल जाती तो अच्छी बात होगी। ये है ओवरसीज ब्रिज और विंड रशिंग पास्ट यू वाइल यू कैन, आगे पढ़ने ही नहीं मिला मुझे। और यहाँ पे है, ये शायद से होटल टाइप हो सकता है, यस डेफिनेटली इसका नाम है द अजूरे इन, और ये बंदा हम लोग को लूटने के लिए बैठा है। देखो कितना कॉस्टिंग है यहाँ पे रेंट करने के लिए एक रूम, जो फिलहाल हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर इतना ज़्यादा पैसा हो जाता तो ज़रूर एक बार तो एक दिन के लिए रह सकते हैं अजूरे इन के अंदर। और यहाँ पे भी इस दूसरे रोड से भी जाने नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा जुगाड़ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वाली बात यहाँ पे नहीं करने मिलने वाली। तो सीधा चलेंगे अभी कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ, और कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर जाके बैटल करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक हिडन पोकेबॉल है जो मेरे नज़रों से कैसे बच सकता है, इसके पास है TM30 द शैडो बॉल। हम लोग को यहाँ पे शैडो बॉल मिल चुका है, शैडो बॉल यूज़ करने के लिए हमारे पास एक गैसली होना चाहिए था, अगर गैसली होता तो हम लोग डेफिनेटली उसको शैडो बॉल दे सकते थे। और हम लोग अभी घुस चुके हैं कंपटीशन कॉन्टेस्ट हॉल के अंदर, तो यहाँ पे आपको पहली चीज़ तो ज़रूर है कि ये पोकेमोन रूबी एंड सैफायर से बनाया हुआ गेम है, तो इसके अंदर ये शायद से हो सकती है एक स्लेटपोर्ट सिटी। स्लेटपोर्ट सिटी का पूरा मैप लेके इन्होंने ये शायद से सिटी बनाई होगी। और एक और चीज़ है, शायद से मावाइल सिटी का ये एरिया है, ना कि स्लेटपोर्ट सिटी का, क्योंकि मावाइल सिटी के आसपास भी थोड़ा सा साइकिलिंग रोड था, उससे रिलेटेड इन्होंने सारी चीज़ें कंबाइन की है। ये पोकी स्नैक्स के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसके लिए हम लोग के पास बेरीज होने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल हमारे पास बेरीज है नहीं, तो बेरीज आने पड़ेंगे, और कहाँ पे मिलेंगे हम लोग को पोकी स्नैक्स भी, कहाँ पे मिलेगा जो केस मिलता है वो, उसके बारे में भी अभी बताने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग को मिल सकते हैं जो जस्ट ओवेरी चेरी बेरी और बहुत सारे बेरी, जहाँ से हम लोग अभी बाय कर सकते हैं। उन बुड्ढो अंकल के पास जाएंगे, मतलब उन ग्रैंडपा के पास जाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, शायद से वो हम लोग को दे सकते हैं पोकी स्नैक्स। लेकिन 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 उसके लिए हम लोग को पोकी केस की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो हमारे पास फिलहाल नहीं है। यस डेफिनेटली पोकी स्नैक केस की ज़रूरत पड़ने वाली है, शायद से ये जो बंदी है, यस डेफिनेटली ये हम लोग को दे सकती है द पोकी स्नैक केस। तो इसके अंदर हम लोग सारे बेरीज को रखेंगे, ब्लेंडर करने के बाद इसके पफिन बनाए जा सकते हैं, जो मोस्टली कॉन्टेस्ट वाले जो भी बंदे रहते हैं वो लोग दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक मेजर चीज़ ज़रूर देखनी है, लेकिन आज देखे कल के एपिसोड में पता नहीं, लेकिन आज ही देख लेते हैं, इस सिटी को पूरा आज ही के एपिसोड में कवर कर देते हैं। मैं कॉन्टेस्ट नहीं लड़ने वाला, कॉन्टेस्ट के अंदर अगर आपको जाना है तो ज़रूर आप कर सकते हो, कॉन्टेस्ट लड़ सकते हो। मैंने ऑलरेडी पोकेमोन रूबी सैफायर के अंदर वो चीज़ की हुई है, तो अभी फिलहाल तो मेरा मूड नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं कॉन्टेस्ट लड़ूंगा, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल एपिसोड लेके आने वाला हूँ। ये थोड़ा म्यूजिक के बारे में बातचीत करना चाहता है, मेरे को इससे बात नहीं करनी है। ऊपर जाते हैं सीधा फ्लोर के ऊपर, मतलब जो मंच है वहां पे, और ये म्यूजिकल कंट्री है, तो इसमें ज़्यादा म्यूजिक के बारे में बातचीत कर रही है, और इसका नाम है द रायन, और प्लीज टू मीट यू बोल रहा है, ये बोल रहा है यू आर बेटर देन मी, और हम लोग बोले यस डेफिनेटली। तो यहाँ पे थोड़ी सी कहासुनी हो चुकी है, और हम लोग अभी बैटल करने वाले हैं द पोकेमोन ट्रेनर रायन के साथ। इसके पास है भाई हेक्सरस, और हेक्सरस को हराने के लिए फिलहाल अर्थ करेंगे। भाई कौन सा 50 लेवल के हेक्सरस के पास लीर होता है, इसके पास लीर था,
अभी हम लोग ने हेक्सरस को तो डिफीट कर दिया है, नेक्स्ट पोकेमोन को डिफीट करने के लिए मैं शायद से सोच रहा हूँ चैम के ऊपर डिपेंड करें, नहीं इसके ऊपर ही रह जाते हैं। सर्फ अटैक यूज़ करेंगे, हॉन्चक्रो एस्टोनिश यूज़ कर रहा है जो थोड़ा सा इंपैक्टफुल जरूर गिरने वाला है। फुल रिस्टोर भी इसने यूज़ कर लिया है तो हम लोग को भी फ्यूचर के अंदर चीट करने का एक मौका मिलने वाला है क्योंकि उसने फुल रिस्टोर यूज़ किया है। अभी नेक्स्ट है वो है मेटल चलेगा 31 पे, एक लेवल बाकी है, शायद से आज के एपिसोड में ज़रूर हो सकता है अगर ये बंदा हम लोग को एक लेवल दे दे। ये अम्ब्रियन जो है ये है शाइनी अम्ब्रियन, और अभी हम लोग अम्ब्रियन को हराने के लिए हमारे पास फिलहाल तो वो वाला टैक्टिक्स नहीं है जो हम लोग हमेशा प्रीवियस एपिसोड्स के अंदर यूज़ करते थे, जिसके पाउडर लिसिड वाला, तो भी हम लोग ने यहाँ पे अम्ब्रियन को हरा दिया है जो अभी मेटल भी चला गया, सॉरी समथिंग चला गया 42 पे। और मेटल की इवोल्यूशन में इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं कि यार उसकी वजह से बाकी पोकेमॉन्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हम लोग वो भी चीज़ करने वाले हैं। जो हमारा डाइनो है वो भी अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ, उसको भी इवॉल्व करने वाले हैं। एम्बर अटैक यूज़ करेंगे गैलेट को हराने के लिए, इसके साथ हम लोग ने गैलेट को भी हरा दिया है। नेक्स्ट पोकेमॉन जिसको हराने के लिए हम लोग इसका ही यूज़ करने वाले फिलहाल शैम का ही, देखते हैं शैम कितने तक टिकता है, लेकिन शैम टिका नहीं इस लच के सामने। सर्फ अटैक यूज़ करेंगे और अनदर सर्फ की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे बीजिंग और स्वम्पिंग दोनों के दोनों चले गए। तो यहाँ पे हमारा मेटल जो है 32 पे चला गया, मतलब मेटल ज़रूर इवॉल्व हो सकता है। लेरॉन के अंदर इवॉल्व होने के लिए 32 लगता है, इतना मुझे याद है, लेकिन ये हैक गेम है, पता नहीं इसके अंदर क्या होने वाला है। मैं बातचीत कर रहा था अम्ब्रियन को हराने के लिए जो ट्रिक्स हम लोग यूज़ करते थे, अगर आपको याद नहीं है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक देखा नहीं है प्रॉपरली, तो ज़रूर चेक करना उन पोकेमॉन गेम्स को भी, उसके अंदर भी थोड़े से ट्रिक्स बता के रखे, हरे पोकेमॉन गेम्स के बारे में आपको पहले से बता के रखा हुआ है कि कैसे हम लोग ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एम्बर अटैक और शायद से मॉक पंच बहुत ही ज़्यादा सुपर इफेक्टिव रहा है, लेकिन भाई इसका कोविड अटैक बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा, ये कोविड जैसे कोविड हो गया यहाँ पे। और वैसे फालतू जोक था, यहाँ पे मैक्स रिवाइव यूज़ करेंगे और हम लोग शैम को दे देंगे क्योंकि ड्रैगन फिलहाल इतना ज़्यादा कैपेबल है नहीं कि वो हरा पाए सामने वाले स्नोरलैक्स को। मार्क पंच ऐसे ये चीज़ हो सकती है, मार्क पंच यूज़ करेंगे, सुपर इफेक्टिव था ये, और इसी के साथ हम लोग ने स्नोरलैक्स को भी हरा दिया है। एरॉन भी अभी शायद से इवॉल्व होगा, पता नहीं, लेकिन देख लेते हैं। डेफिनेटली एरॉन यहाँ पे इवॉल्व होने वाला है, मैंने एरॉन को ऑलमोस्ट 4 से 5 टाइम यूज़ किया, तो उसकी वजह से मुझे पता है कि भाई ये 32 पे इवॉल्व हो सकता है। हम लोग को आज के एपिसोड में लेरॉन मिलने वाला है, तो जिस बंदे ने मुझे एरॉन का सजेशन दिया था, भाई आपका एरॉन जो है लेरॉन के अंदर इवॉल्व हो रहा है, तो मेन चीज़ अभी वही है कि इस लेरॉन को हम लोग को एग्रॉन के अंदर इवॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग को जो बाकी पोकेमॉन्स हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि स्वाम्प थिंग स्वम्पट के अंदर इवॉल्व हो चुका है, बाद में चैम्प एम्फर्मेप के अंदर इवॉल्व हो चुका है, और जो हमारा ग्रास ब्लेड है वो ऑलरेडी इवॉल्व हो चुका है हमारे क्या सेप्टाइल के अंदर। तो ये बंदा हॉन्चक्रो दे रहा था, उसने हॉन्चक्रो भी हम लोग के पास दे दिया है, तो हमें पोकेमॉन सेंटर के अंदर जाके चेक कर ले हॉन्चक्रो क्या है। उसका अम्ब्रियन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि वो शाइनी अम्ब्रियन था। अभी हम लोग जाएंगे पोकेमॉन सेंटर के अंदर, हील करेंगे हमारे पोकेमॉन्स को, और आज के एपिसोड के लिए इतना ही, हम लोग यहीं पे ही रुकने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको हॉन्चक्रो दिखाना चाहता हूँ पोकेमॉन सेंटर के अंदर जाके, मूव डिपॉजिट नहीं, उसके अंदर नहीं दिखेगा, विड्रॉ में भी नहीं दिखेगा, मूव के अंदर जाना पड़ेगा। ये सारे पोकेमॉन फिलहाल हमारे पास पड़े हुए हैं, और एक और जगह है जो है ड्रैगन की, ड्रैगन की आप सजेस्ट कर सकते हो कौन सा भी पोकेमॉन, जो आप मुझे जरूर करोगे कमेंट सेक्शन के अंदर, मुझे पता है। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, सजेस्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर सजेस्ट कर सकते हो, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑसम से ग्लेजिंग से पोकेमॉन ग्लेज एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायनारा।